Hello everyone, I hope you remember me and I really hope the algorithm remembers me as well. Hai jo kal ke match mein hua, I hope you all know about it. Mujhe wo batane ki zarurat nahi hai. Let's talk about the performance then. So, shuru karte hain apne kaptaan Sarfraz bhai ki yawn ke saath. So, Sarfraz was yawning on the field aur jaisi baat hai fir memes wagaira ka silsila shuru ho gaya. Par beech mein kuch log bhi keh rahe the ki kya ho gaya, matlab wo bhi insaan hai agar wo yawn kar raha hai to. Well, you see, body language jo hai na wo matter karti hai. Ab Kohli jo hai wo ek winning team ka captain hai, uski fir bhi wo itna enthusiastic hai is match ke liye nazar aa raha tha har wicket pe, har score pe. Aur jo isi taraf hamare Sarfraz bhai hain jo kar rahe hain, matlab mukao yaar, mainu neendar aayi hai, khatam karo yaar, chalo chalo jana bhi hai idhar. फिर बैटिंग करनी है, वैसे भी 200 मार के आउट होने, खत्म करो इसे। और देखो, यॉन करना है ठीक है, एक नेचुरल चीज है, आ गई ठीक है, ये आपने नींद नहीं पूरी की, ये आपका फिटनेस लेवल जैसा भी है, जैसे शोएब अख्तर ने कहा आपकी टेड निकली हुई है, तो एटलीस्ट ग्लव रख लो कि वो कैमरे के सामने पूरा ना आए कि जी देखो कप्तान मतलब मुंह खोल के यॉन कर रहे हैं. और इट जस्ट शोज कि आपका इंटरेस्ट लेवल कितना है. अगर एक एग्जाम है ना आपको नहीं आता ना, और उसमें आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी नहीं है ना, आप सारे मतलब 3 घंटे का जो पेपर होगा उसमें इसी तरह जमाइयाँ लेते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे, पानी पीते रहना है, घड़ी की तरफ देखते रहना है. और अगर आते हो ना तो आप क्या हो यार, पूरा साल मैंने पढ़ा है, अब इस 3 घंटे में कम टाइम होता है हमेशा इन एग्जाम के लिए, बोर्ड के हो गए या इस तरह ये हो लेवल्स वगैरह, तो आपने क्या करना है, आप मतलब नीचे देख के सार देख के लगे रहोगे. पर यहाँ पर ऐसा तो है नहीं है. ऊपर से फिटनेस लेवल माशाल्लाह हमारी पूरी टीम की, अब बिरयानियाँ पुलाव और चेक चेक के टेडी निकले हुए हैं. अब देखो भाई, एक मैं हूँ ना और एक वो प्लेयर है, हम दोनों में फ़र्क होना चाहिए. जो देखने वाले स्पेक्टेटर हैं और जो प्लेयर हैं उनमें फ़र्क होना चाहिए. मैं जाके सुबह पार्क में खेल रहा हूँ ना, और उसमें मुझे नींद आई हुई है, मेरा फिटनेस लेवल नहीं है, टेड निकली हुई है, दैट डजेंट मैटर. मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, मैं शुगर मेले के लिए खेल रहा हूँ, वो शुगर मेले के लिए नहीं खेल रहा. हैर द नेक्स्ट थिंग इज, शोएब मलिक साहब शीशा फूंक रहे थे एक दिन पहले रात के 2 बजे संडे को विंजलो रोड पे बैठ के. एंड सम पीपल वर लाइक पीसीबी प्ले नहीं करती, पता नहीं ये डिफेंड हर चीज़ में क्यों करना यार. देखो टीम हमारी है ठीक है, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हेट उनसे कोई भी नहीं करता. क्रिटिसिज्म ये जो है अगर नहीं दोगे आप, एक स्पोर्ट है आपके पूरे कंट्री में, आवाम को उसके साथ मतलब अटैचमेंट है, और स्पोर्ट है नहीं है 20-22 करोड़ की आवाम के लिए, उस पर सारा फोकस है, तभी मतलब एक गेम जीतते हैं ना, देखो हम लोग सारा भूल जाते हैं, इंक्लूडिंग मी. इंग्लैंड वाली गेम जीते हम सब कुछ भूल गए हैं, कि वेस्ट इंडीज़ वाली जो डिफीट थी जो कि इंडिया वाली से भी बुरी थी, हम भूल गए, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा है तो है नहीं है कि और कोई स्पोर्ट है जी चलो जी फुटबॉल में जीत जाएंगे. इसी पे कि आपको पूरी कौम के लिए एक ही स्पोर्ट है, उसमें भी जब आपकी ये हालत हो तो क्रिटिसिज्म को डिफेंड हर वक्त करना, या ये बोलना कि टीम को क्रिटिसाइज मत करो, जो लोग बुरे टाइम में नहीं सपोर्ट करते उन्हें अच्छे टाइम में भी वो सेलिब्रेट क्यों करते हैं, दैट्स जस्ट नॉनसेंस. लिमिट मत क्रॉस करो, पर्सनल जाना, गालियां देना, थ्रेट्स देना प्लेयर्स को, वो गलत है, उन लोगों को डिजर्व नहीं करते विक्ट्री के टाइम पे. लेकिन पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या अपनी डिसअपॉइंटमेंट को एक लिमिट में रैक एक्सप्रेस करना इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन. और शोएब मलिक की फॉर्म तो रही नहीं है, आई एडमिट शोएब मलिक ने बड़े मैचेस हमें जिताए हुए हैं, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, लेकिन जब आप फॉर्म नहीं है ना तो किसी से हमारी कोई पर्सनल दोस्ती तो है नहीं है. उनको आप जाना चाहिए, रिटायर करो भाई, नए प्लेयर्स आपके पास हैं, आबिद अली आपके पास है, बट आप खुद ही स्पॉट छोड़ दो. अगर नहीं छोड़े तो फिर सिलेक्शन कमेटी किस लिए आपने रखी हुई है. फिर हमारे आते हैं हसन अली भाई, जिनको जनरेटर यू नो स्टार्ट करने का बड़ा शौक है, और कल भी उन्होंने जनरेट बड़ा किया रन का, 84 यू नो ऑलमोस्ट सेंचुरी कर गए थे वो रन की, हाइएस्ट रन जो इन्होंने कंसीड की हैं फॉर एनी पाकिस्तानी बॉलर इन द वर्ल्ड कप. जब ऐसा एक रिकॉर्ड एक प्लेयर के नाम आ गया है, उनको भी तशरीफ ले जानी चाहिए. आई एडमिट ठीक है, यंग बंदा है, अभी फ़ौरन से आप नहीं कह सकते करियर ओवर या निकाल दो उस तरह, तो सब कुछ निकाल दो फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते. टीम आप में, आपकी टीम में अच्छे प्लेयर भी हैं जो यंग हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए उसकी टीम में कोई जगह नहीं है, ही नीड्स टू बी आउट ऑफ द टीम. उसकी जगह शहीन है, आपके पास हसनैन है, वो किस लिए आए हैं. उतनी बुरी टीम है जितना 2015 के वर्ल्ड कप में हाल था हमारा, उस वक्त क्या हम लोग सारे कहते थे कि बूढ़ी टीम है जी, बूढ़े प्लेयर हैं, उनको रिटायर करो, यंग आए. अब यंग आए हैं तब भी वो याद है, क्योंकि मसला सिर्फ प्लेयर का नहीं है, वो टैलेंटेड भी आता है. एक तो PSL से आ रहा है तो वो T20 के फॉर्मेट का, दूसरा आपका जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, कॉलेज क्रिकेट आपकी है नहीं है, तो वो स्ट्रेटजी वो माइंडसेट कभी बनता ही नहीं है. और ऊपर से फिर मतलब कि कहना कि टॉस जीत जाते, पहले बैटिंग कर लेते, उन्होंने 200 पे आउट कर लेना था, मोस्ट प्रोबेबली 250 वो चेस कर जाते. तो ये बहाने बनाना, अपनी गलतियों को मतलब ओवरलुक करना और उन पे फोकस ना करना, फिर इसी तरह हारते रहने. फिर जब ये प्लेयर्स जो मतलब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनका हमेशा यही होता है कि इट्स जस्ट अनदर मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, हम इसको कुछ स्पेशल उससे नहीं देखते.
वेल फॉर्चुनेटली फॉर द फैंस और अनफॉर्चुनेटली जो परफॉर्म प्लेयर नहीं कर पाते, इट्स नॉट जस्ट अनदर मैच. ये बात आप जितनी जल्दी मान लो आपके लिए अच्छा है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट वॉच स्पोर्टिंग इवेंट, नॉट जस्ट क्रिकेट. तो स्पोर्ट्स में जब एक इतनी हाइप है, जितनी जब आपको लोग जितने ज़्यादा देख रहे हैं ना, तो क्रिटिसिज्म भी आपको उतना ज़्यादा मिलेगा, अप्रिसिएशन भी उतनी ज़्यादा मिलेगी. पूरा आपका करियर बना देगी या पूरा करियर आपका खत्म हो जाएगा उसे एक मैच से. हाँ ये है कि अगर इसी तरह वन साइडेड मैच रहते रहे सिवाय एक जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी पर ही मतलब परफॉर्मेंस थी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जस्ट अनदर मैच रह जाएगा एंड इट विल बी अ लॉस फॉर बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान के. इतनी एक स्पेशल जो चीज़ है, मतलब यार जो बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं, सुपर बॉल है या वर्ल्ड कप फुटबॉल के इवेंट्स हैं, उनमें मतलब अगर ठीक है उनके लेवल पे अगर उतने व्यूअर्स नहीं है, लेकिन फिर भी आप टॉप 10 टॉप 20 के जो स्पोर्टिंग इवेंट्स हैं उनमें आपका ये मैच आ रहा है, उसको आप गवा दोगे क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस नहीं है. एंड देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, कैप्टन हमारे पास कोई है नहीं है. सरफराज की फॉर्म रही नहीं है. सरफराज एज अ कैप्टन ना तो वो डिसीजन मेकिंग कर पाता है, ना वो बंदा प्रेशर को हैंडल कर पाता है. मतलब जब थोड़े रन कंसीड करने लगती है टीम, वो बंदे का मोरल उधर ही गिर जाता है. पर मतलब एक जो एक सैड चीज़ है कि इतने सालों में एक हमने कैप्टन ही बना पाया. सरफराज जब आया था तब भी हमारे पास यही ऑप्शन था और कोई ऑप्शन हाथ था नहीं. और अब आगे क्या इमाद है जी, शादाब है, सारे यंग हैं, उनमें उनके पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं है. बट अब 4 साल हैं ये वर्ल्ड कप, तो अब दुआ कर सकते हैं हम कि अगले जो 4 मैच हैं उनमें अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि अपनी टीम है. फिर वही बात आ जाती है, आप जितना भी गुस्सा कर लो वो गुस्सा भी तभी है क्योंकि आपकी अटैचमेंट है. तो दुआ कर सकते हैं. न्यूजीलैंड मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है भाई इस वक्त, और सेम इस और बांग्लादेश, उनको भी आप अब अंडर रेटेड नहीं बोल सकते हो. दे आर लाइक अ प्रॉपर टीम. अफगानिस्तान से आप वहाँ आप हारे हुए हो एंड साउथ अफ्रीका रह गया, तो आई रियली होप वी विन एंड अभी से रिफॉर्म्स क्रिकेट में लाना स्टार्ट करें. 4 साल आपके हैं, सो यू नो डू समथिंग. हैर दिस वॉज माई रैंट फॉर दिस मैच. मैं जस्ट बड़बड़ कर रहा था, मुझे पता है, बट आई होप कि यू कैन अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्राम. और होपफुली जो नेक्स्ट मैच हैं उनमें अच्छा खेलेंगे. एटलीस्ट हम 4-4 का तो बोल सकेंगे कि भाई 4 जीते हैं, 4 हारे हैं, एक जो है वो वॉश्ड आउट हो गया था. बट या आई विल सी यू गाइज सून इंशाल्लाह. Let me know if you want me to make other videos about Pakistan's upcoming matches in this World Cup. Allah Hafiz.